पता करना है। मान लीजिए ये लाइन है, एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं, ए और बी पॉइंट है इसके, बात समझ रहे हैं। ए और बी पॉइंट होने पर कह रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स, वाई एक्सिस जिसमें डिवाइड करता है। तो ऐसी कंडीशंस में इनकी रेशियोज क्या मान लें, कुछ भी पॉइंट आप रेशियो मान लेते हैं। मान लीजिए सी बिंदु है और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई, जब हमें दिया नहीं गया है तो हम एक्स कामा वाई मान लेंगे। यहां से कह रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दीज आर गिवन हियर, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता करना है। यहां पर इनके रेशियोज क्या है, एम वन एम टू मान लीजिए, या आप चाहें तो के और वन के रेशियो में भी मान सकते हैं, के इज टू वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे थोड़ा सा इजीएस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। यहां पर चूंकि डायरेक्ट उसने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी के इज टू वन को ही माने, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो के इज टू वन के रूप में मानते हैं, यहां से क्या कहेंगे, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी के इज टू वन, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट दिस आर एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं और उसमें रेशियोज कितना है, के इज टू वन का रेशियो है। उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर बात इसने क्या किया है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स, वाई एक्सिस डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ जो सी एक्स कामा वाई मान रखे हैं, यहाँ हमें कंपेरिजन जब करना होगा तो एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे, द पॉइंट्स दिस आर गिवन। तो ऐसी कंडीशंस में अब हम क्या करते हैं, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कामा वाई दिया है, दैट इज इक्वल टू सी, अब इनका फिर वही इंटरनल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटरनल इंटरसेक्शन। तो इंटरनली इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स हमारे जो दिए गए हैं पहले उनको नॉमिनेट कर लें। ये पॉइंट्स क्या हैं, फाइव कामा माइनस सिक्स, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, -1, 4, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ से सी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू सी, ऐसी कंडीशंस में M1 X2 का मतलब M1 की जगह K है और X2 हमारा ये बिंदु बन रहा है -1, तो ये K इंटू -1 प्लस M2 X1, M2 की वैल्यू क्या है 1 है और X1 की वैल्यू क्या है 5, तो 1 इंटू 5 हो गया, होल अपॉन K प्लस 1 कर देंगे M1 M2 के नाते, वही फार्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम कंडीशंस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर M1 Y2, तो M1 Y2 का मतलब K इंटू Y2, Y2 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस M2 Y1, M2 की वैल्यू 1 है और Y1 है, Y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, होल अपॉन K प्लस 1, ये कंडीशंस हो गई। अब इनको आपस में कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन क्या करेंगे, क्योंकि y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब y एक्सिस की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, 0, y कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर लीजिए, k का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये -k हो जाएगा, प्लस 5 होल अपॉन k प्लस 1, और इसके बाद दूसरा ये हो जाएगा 4k-6 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आपस में कंपैरिजन कर दीजिए, ये किस पॉइंट का वैल्यूज है, ये भी c के ही कंपैरिजन में है,
तो ऐसी कंडीशंस में आफ्टर कंपैरिजन वी गेट, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 0 को 0 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीपुल कर दीजिए तो यहाँ से माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 5। इसका मतलब रेशियो डायरेक्टली आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए तो रेशियो इज इक्वल टू k इज टू 1 दैट इज इक्वल टू 5:1, ये इसका रेशियो आ जाएगा। अब ये रेशियो आपको मालूम हो गई तो रेशियो आ जाने के बाद फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, सी पॉइंट आपका क्या है, एक्स कॉमा वाई है। अब यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऐसी कंडीशंस में जो अभी यहाँ ट्रांसफर किए हैं उसमें के की वैल्यू रख दीजिए, सबसे आसान काम है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर माइनस के प्लस 5 है, के की वैल्यू 5 है तो माइनस 5 प्लस 5 अपान यहाँ से माइनस 5 प्लस 1, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या होगा, 4k, तो 4k का मतलब 4 इंटू 5 और इसके बाद क्या होगा, माइनस 6, तो माइनस 6 होल अपान 5 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर भी वैल्यू आपकी के की वैल्यू 5 है ना, ये माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि ये वैल्यूज आप यहीं से कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ सी की वैल्यू क्या थी, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो एक्स को हमने 0 कर दिया जिसके कारण हमें रेशियो मिल गया। अब ये कह रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो भाई ले लो इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू सीधे 5 आई है, के को 5 आपस में टैली करा दिए कि k इज इक्वल टू 5, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा आया था माइनस 5 प्लस 5, ये दिया गया है k प्लस 1, 5 प्लस 1 हो गया, 4k 4 इंटू 5 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 1। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो c हुआ और यहां से ये पहली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि माइनस 5 प्लस 5 0 होता है, तो 0 अपॉन 6 दैट इज 0 ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 5 20 माइनस 6 14 होगा, तो 14 अपॉन 6 आ गया। 14 अपॉन 6 को आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ से 0 और 2 से डिवाइड कर दूं तो 7 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और इसके साथ साथ 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास रेस में क्या रह गए, ओनली 2 क्वेश्चंस। हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेक्शन फार्मूला हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर सपोज कीजिए कि हम इसको यहीं ब्रेक कर दें तो फिर से हमें शुरू से सेक्शन फार्मूला पढ़ाना पड़ेगा। इस नाते जरूरी है कि हम समय का सदुपयोग करते हुए ये ध्यान दें कि जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ें, जिससे हमारी रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इससे अलग है तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अब इस पर हम बात करते हैं इस पर सामान्य तौर पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिगर लेंगे और ज्योमेट्रिकल फिगर लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ढंग से दिखेगा और अलग ढंग से दिखेगा तो सॉल्व करने का